वेलकम बैक टू माई चैनल अगेन। एक बहुत ही यमी सी रेसिपी के साथ यहाँ पर हम मौजूद हैं। अच्छा जी, हम जो है वो केक बना रहे हैं और उस केक में सिर्फ और सिर्फ ये तीन इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने ओरियो का पैकेट ले लेना है, ठीक है, दो। इसको मैंने ओपन कर लिया था, ठीक है, ये दो पैकेट ले लेनी है। साथ साथ एक जो है वो दूध का डब्बा और बेकिंग पाउडर, ठीक है। सिर्फ ये तीन चीज़ें हैं जो डलेंगी और आपका केक जो है बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब जो है वो हम केक बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको जो है वो हम क्रश कर लेंगे। ये दोनों पैकेट्स जो हैं उसके अंदर हमने डाल दिए हैं। अब इसको हम करेंगे बंद। अच्छा जी, ये देखिए, ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा मिक्सचर तैयार हो चुका है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि 1 टीस्पून इसके अंदर हमने बेकिंग पाउडर डाल देना है। ठीक है, इसको मिक्स करके अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे मिल्क। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है पहले, देन मिक्स। यकीन करें, ये केक इतना यम बनता है ना, मतलब कि बिल्कुल जो ब्राउनी का टेस्ट होता है ना वो आएगा आपको। इसको बिल्कुल बैटर सामने बना लेना है और ये मिक्सचर बना के ना आप लोगों ने तकरीबन आधा घंटा के लिए इसको छोड़ देना है, ताकि ये जो दूध है और ये पूरा बैटर आपस में बिल्कुल जो है वो मिक्स हो जाए। ठीक है, हाँ जी, हमारे केक का बैटर जो है वो बिल्कुल रेडी है। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूँगी कि इस पैन के अंदर जो है वो डालूँगी। पहले इस पैन के अंदर हम जो है वो 1 टेबल स्पून के करीब जो है वो ऑयल डालेंगे। ठीक है, ताकि हमारा केक जो है वो नीचे चिपके ना, और साथ ही साथ नीचे जो है वो पेपर रखेंगे। अगेन ऑयल, इसको पूरे जो है वो इसकी वॉल्स पे स्प्रेड कर देंगे। मैं स्प्रेड करती हूँ। अब हम इसके अंदर अपना बैटर डाल देंगे। सही से बैटर डालने के बाद इसको हम अंदर से टैप करेंगे, ताकि जो भी बबल्स हों वो निकल जाएं। और फिर उसके साथ ही साथ हम जो हैं वो अपना जो यहाँ पर हम अपने जो बर्तन था उसको मैंने पहले से प्री हीट कर लिया था। ठीक है, अंदर स्टैंड रख के अच्छा खासा ये हीटअप जो है वो हो चुका है। अब इसके अंदर जो है वो हम अपना रख देंगे ये ध्यान से। अब इसको हमने 30 मिनट के लिए जो है वो बेक करना है। ठीक है, मीडियम फ्लेम पे, और फिर आपको वापस आके दिखाते हैं। अभी हाफ टाइम जो है वो हुआ है और हमारा केक जो है, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो राइस होना स्टार्ट हो चुका है। तो एंड जब हो जाएगा तब दिखाते हैं आपको। अच्छा जी, अब टूथपिक टेस्ट करने के लिए जो है वो हम देख लेते हैं कि हमारा केक रेडी हुआ है कि नहीं। ऑलमोस्ट रेडी, क्योंकि थोड़े थोड़े पार्टिकल्स लग ही जाते हैं। ठीक है, 1-2 मिनट इसको मैं और रखती हूँ, फिर मैं इसको जो है वो निकाल लेती हूँ। ओके, हाँ जी, अब आप लोगों ने क्या करना है कि साइड से आप लोगों ने ये भट्टा हुआ ये वैसे ही साइड से, ठीक है, और रेडी है, बिल्कुल चिपका ही नहीं। ठीक है, नीचे से भी, क्योंकि हमने पेपर रखा होगा तो ये बिल्कुल नहीं चिपका होगा। बस अब इसको जो है वो किसी भी प्लेट को रख देंगे इसके ऊपर, और उसको जो है वो उल्टा देंगे और हमारा केक जो है वो बाहर आ जाएगा। अच्छा जी, केक जो है वो हमारा बाहर आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। इसका जो है पेपर है वो मैं ऊपर से उतार दूंगी, और आप इसका जो स्पंज है वो देखिएगा किस कदर जो है वो सॉफ्ट है। बिल्कुल जो है ये धुआं उठ रहा है केक से, ये देखें जी कितना सॉफ्ट, बहुत सुपर सॉफ्ट स्पंज है जो तैयार हो चुका है। और इतना जो है वो क्लीन केक कभी भी नहीं बनता, लेकिन ये केक जो है वो बन जाता है। मेरे भाई जो हैं उनकी बर्थडे थी, इसलिए जो है ये केक हमने रेडी किया था। तो
ये केक हमने कट कर लिया और अभी आपको इस पीस को उठा के भी दिखाते हैं। तो ये पीस जैसे मैंने प्लेट में रखा तो मेरे छोटे भाई ने जो है वो पूरा झपट्टा मार दिया, लेकिन केक वॉज सो यमी और होपफुली आपको जो है वो आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मैंने अगेन जो है वो एक और पीस कट करके लिए भी साइड पे रख दिया था और उसको मैं आपको जो है वो अब खा के भी दिखाऊंगी। ये देखें जी, ये हमारा पीस है और इसको मैंने कट किया और खाया। बहुत डिलीशियस जो है वो इसका टेस्ट था। अगर रेसिपी जो है वो आज की पसंद आई हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।